आ गया रश्मि में आया एक नया ट्विस्ट। वो ट्विस्ट क्या है गाइस, वही मैं आप लोगों को बताती हूँ। वो ट्विस्ट ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऋषि ने प्रपोज कर दिया है मलिष्का को शादी के लिए, और मलिष्का और ऋषि की शादी हो रही है, जिसमें मलिष्का और ऋषि शादी की शॉपिंग करने के लिए एक ज्वेलरी स्टोर पर आते हैं, जिसमें रश्मि जॉब करती है और मलिष्का और ऋषि की मुलाकात हो जाती है रश्मि से। जी हाँ गाइस, लेकिन गाइस इसके बाद क्या होता है, होता ये है कि मलिष्का रश्मि से बदला लेने के लिए वहाँ से ज्वेलरी होती है वो छुपा लेती है, और लश्मि पर इल्ज़ाम लगा देती है कि इसने चोरी की है, और वहाँ के जो स्टाफ है उनको भी लगता है कि शायद लश्मि ने ही चोरी की है, तो वो लोग पुलिस को बुलवा लेते हैं। और जब चेकिंग वगैरह से पता चलता है कि लक्ष्मी ने नहीं चोरी मलिष्का ने की है, तो गायस ऋषि ऋषि लगाता है थप्पड़ मलिष्का को। जी हाँ गायस ऋषि जैसे कि हमेशा की तरह लक्ष्मी का ही साथ देता है, उसने इस सीन में भी भरपूर साथ दिया लक्ष्मी का, और कहा कि लक्ष्मी ऐसा नहीं कर सकती, लक्ष्मी चोरी नहीं कर सकती, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ लक्ष्मी को। तो गायस वैसे ही उसने लक्ष्मी का साथ दिया, और जब पता चला कि चोरी मलिष्का ने की है तो ऋषि ने लगाया मलिष्का को चमार। जी हाँ गायस, और मलिष्का आ गई शॉक में, और ऋषि ने पुलिस वालों को कह दिया कि मलिष्का को आप अपने साथ ले जाइए, और उसने इस बार भी दिया लक्ष्मी का साथ, जिसमें मलिष्का ऋषि की ये बात सुनकर हो जाती है हैरान। लेकिन गायस ऋषि ने दिया लक्ष्मी का साथ और मलिष्का गई पुलिस यानी कि जेल में। अब देखते हैं गाइस आगे क्या होता है, मलिष्का को कौन छुड़वाता है जेल से, और या ऋषि छुड़वाता है जेल से या नहीं, या फिर आगे क्या होता है वो तो हमें आगे के अपकमिंग एपिसोड पर चल जाएगा। बाकी आप लोग कितने एक्साइटेड हैं भाग्य लक्ष्मी के अपकमिंग एपिसोड के लिए मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप लोग कितने एक्साइटेड हैं लक्ष्मी और ऋषि को एक साथ फिर से देखने के लिए मुझे ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा।